अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर आप 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं या 12वीं पास हो चुके हैं और विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं अपना बैचलर्स, तो बैचलर्स करने के लिए विदेशों में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अच्छा है, जहां पर मतलब आपको आसानी से जॉब मिल सकता है, पढ़ाई थोड़ा सस्ता हो और कई तरीके की जो सुविधाएँ हैं बैचलर्स के लिए उनमें से। तो आज के इस वीडियो में अमेरिका के इस धरती से मैं ऐसे देशों के नाम और वहाँ पर जो सुविधाएं मिलती है उसके बारे में बताऊंगा, जहाँ पर आप जा सकते हैं 12वीं पढ़ने के बाद। वहाँ पर अगर आप बैचलर जाके करते हैं तो आपके लिए वो फ्यूचर के लिए खासकर बहुत फ़ायदे का हो सकता है। तो वीडियो में आप बने रहना, और वीडियो में बने रहने के लिए आपको खबर देते रहने के लिए छाता ओढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के मेरे शहर बॉस्टन में अभी हो रही है ज़ोरदार बर्फबारी। तो अगर आप विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं बैचलर्स करने के लिए, तो आपको मौसम का भी ख्याल रखना पड़ेगा भाई, कि आपको गर्मी पसंद है ठंड पसंद है। तो मौसम के बारे में भी जानकारी अपने इस वीडियो में मैं थोड़ा ऐड करके बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर के बारे में, अपने बैचलर्स के बारे में, पढ़ाई करने के बारे में, कॉलेज की पढ़ाई करने के बारे में सोचना है और जानना है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना। वैसे यहाँ पर अमेरिका में भी, अमेरिका के पूर्वी इलाके में, अगर आप नए होंगे मेरे चैनल में, तो मैं इस पूर्वी इलाके में रहता हूँ अमेरिका का, 0 डिग्री तापमान है, बिल्कुल एकदम सन्नाटा है सब तरफ, और पिछले 24 घंटे से बर्फबारी हो रही है, अगले 48 घंटे तक बर्फबारी होती रहेगी। लेकिन इस बर्फबारी के बीच भी आप तक ये सब जानकारी पहुंचाना जरूरी होता है, ताकि आपके भविष्य के लिए ये थोड़ा बहुत काम आ सके। तो इस लिस्ट में सबसे पहले और सबसे ऊपर रखूंगा कनाडा को, या हम लोग हिंदी भाषी के जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं उसको कनाडा बोलते हैं। अमेरिका के पास में ही है, उत्तरी अमेरिका के जस्ट बगल में लगा हुआ देश है कनाडा। तो वहाँ पर अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो वहाँ पर बैचलर करने के लिए कनाडा बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। उसके कुछ कारण हैं कि कनाडा में और बाकी देशों की तुलना में, जो पश्चिमी देश है उनकी तुलना में, जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस का मतलब होता है कि जो 4 साल का पढ़ाई का खर्चा है उसको ट्यूशन फीस बोलते हैं ऐसे विदेशों में, तो वो जो ट्यूशन फीस है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू अन्य देश जो पश्चिम के देश हैं उनमें से। और दूसरा बहुत फ़ायदे का बात उसमें ये है कि आपको 1 साल वहाँ जब काम करते हैं, 4 साल आपने पढ़ाई किया, कॉलेज का किया या बीए किया, बी काम किया, कुछ भी किया, और फिर 1 साल काम किया, उसके बाद तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। मतलब लगभग आपको मिलेगा ही परमानेंट रेजिडेंसी, मतलब आप वहाँ स्थायी रूप से एक तरीके से रह सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको पॉइंट्स बनाना पड़ता है, मतलब कनाडा का जो रेजिडेंसी सिस्टम होता है वहाँ का निवासी होने का, वो कुछ पॉइंट्स पर निर्भर करता है, वो बदलते रहता है हर साल, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि आपको वहाँ पर बैचलर्स करेंगे या फिर काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहाँ की रेजिडेंसी मिल सकती है। इसके अलावा कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगे जिसमें दिखाते हैं कि ओ कनाडा से लोग भाग रहे हैं, कनाडा से लोगों को भगाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ उतनी ही जानकारी सही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जिनको जॉब मिला हुआ है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनते हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप विदेशों में पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो पढ़ाई को सिर्फ ज्ञान का जरिया मत बनाइए। पढ़ाई जो है वो एक तरीके का बिजनेस है आज के समय में, इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में, तो आपको उसी तरीके से समझना पड़ेगा कि आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेना होगा। तो जब आप विदेश में पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से विषय का चुनाव उसी आधार पर कीजिए। इस विषय में आपको नौकरी मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसीलिए ये जो स्टेम फील्ड है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, ये जो विषय है इनमें ज़्यादा संभावना रहती है विदेशों में नौकरी पाने की। वैसे मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन में कनाडा जो है एक और कारण से बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर वायलेंस बहुत कम है कंपेयर टू दूसरे देशों का। सुनोगे कि वहाँ पर इस तरीके का वायलेंस होता है, गन वायलेंस होता है, ये तमाम चीज़ें, तो उस हिसाब से कनाडा जो है वहाँ पर कभी तुम उसको नहीं सुनोगे कि किसी कहीं जगह पर लड़ाई लूट मच रही है या कहीं पर जाके कोई किसी देश को कब्जा बना रहा है, ऐसे बहुत कम होता है। और जहाँ तक मौसम की बात है इस बर्फबारी के बीच, कि कनाडा जो है वो अमेरिका से भी और ज़्यादा ठंड है, मतलब वहाँ पर आबादी बहुत कम है, बहुत बड़ा मुल्क है तो, और बहुत छोटे जगह में बहुत ज़्यादा लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि रहने लायक जगह नहीं है, बहुत सारा जो इलाका है बहुत, वहाँ पर बर्फ़ के पर्वत हैं और तमाम चीज़ें हैं, तो ठंड बहुत है वहाँ पर। अगर आपको ठंड नहीं पसंद है तो कनाडा को शायद आपको अपने लिस्ट से निकालना पड़ेगा। लेकिन आपके लिस्ट से कनाडा निकल गया उसका मतलब नहीं कि और जो देश है वहाँ पर आप जाके बैचलर्स की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो अगला देश कौन सा है, इससे पहले मैं बताऊँ कि वो देश कौन सा है, आपको ये भी बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो मैं यहाँ पर अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ प्रोफेशनल जॉब करता हूँ
और हिंदी में यहाँ पर अमेरिका में जॉब, एजुकेशन, वीज़ा और कई तरीके के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है यहाँ के लाइफस्टाइल के साथ साथ, उन सब चीज़ों के बारे में हिंदी में बहुत बेसिक लेवल पर जो छोटे गांव कस्बे के लोग हैं उनके भी समझ में आ जाए, उनके लिए ही इस तरीके की जानकारियाँ देते रहता हूँ। तो अगर पहली बार मेरे चैनल में आए होंगे, चैनल से जुड़ते हुए जाना और जुड़े हुए हैं तो वेलकम टू माई चैनल। लगे इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है। दूसरा कंट्री जहाँ पर आप 12वीं की पढ़ाई अपने देश में करने के बाद बाहर आ सकते हैं बैचलर करने के लिए, वैसे बैचलर डिग्री को यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट भी बोलते हैं विदेशों में, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना उसके लिए। तो ये दूसरा देश है, यही देश जहाँ मैं रहता हूँ अमेरिका। तो अमेरिका कई कारणों से और कई तरीकों से एक बहुत अच्छा जगह है अंडर ग्रेड की पढ़ाई करने के लिए, बैचलर की पढ़ाई करने के लिए। सबसे बड़ा कारण मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बाकी देशों की तुलना में बहुत है। हो सकता है कि यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाकी पश्चिमी देशों की तुलना में उतना अच्छा ना हो, लेकिन जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत है। खासकर अगर आप स्टेम फील्ड से हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था स्टेम क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इनसे रिलेटेड कोर्स करने के लिए आप आ रहे हैं, तो बैचलर की पढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ निश्चित रूप से जॉब मिलेगी। ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना है कि किसी को जॉब ना मिला हो अगर उसने स्टेम की पढ़ाई की हो। तो स्टेम से रिलेटेड पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो भी आप आ सकते हैं, जैसे आर्ट, म्यूज़िक या किसी और तरीके की पढ़ाई करते हैं फिर भी अमेरिका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अपने अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड, MIT, स्टैनफर्ड और बहुत सारी, मतलब यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी जिस शहर में मैं रहता हूँ, और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर जो बहुत नामी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ की डिग्री आपके पास जब होगा तो आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में काम मिलने में आसानी होती है। एक और बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी स्टूडेंट भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं अमेरिका में, तो ये आपको, मतलब बाकी और जो देश के लोग हैं वो तो मिलेंगे ही, आपकी खुद की भाषा बोलने वाले लोग भी यहाँ पर मिल जाएंगे, तो कम्युनिटी बनाने में थोड़ा सा आसान होता है। यहाँ पर जब अमेरिका, जब 12वीं के बाद यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो आप कॉलेज करते हैं, मान लो 4 साल का है जो बैचलर डिग्री है, तो जब भी आपका छुट्टी होता है तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं 40 घंटा, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 20 घंटे काम करने की अनुमति होती है, वो भी कैंपस के अंदर में काम करना होता है। कनाडा को नंबर 1 में इसीलिए रखा था कि उसके लिए आपको कैंपस में काम करना जरूरी नहीं होता, आप कैंपस के बाहर में ही कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में आपको कैंपस के अंदर में ही काम करना होता है। जो आपका रिसर्च का क्षेत्र है उससे रिलेटेड ही काम अगर करोगे तो वो OPT के दौरान कर सकते हो। तो ये बैचलर डिग्री करने के बाद अगर आप स्टेम फील्ड से जुड़े हो तो आपको 3 साल का OPT मिलता है, मतलब आपने पढ़ाई कर लिया, ख़त्म हो गया, उसके बाद यहाँ की सरकार कहती है कि आप 3 साल यहाँ और रुक सकते हैं, ठीक है, काम कर सकते हैं। तो आपने जितना पैसा खर्चा किया होता है पढ़ाई में वो दरअसल आपको वापस मिल सकता है, 3 साल काम करेंगे तो उतना पैसा आप वापस कमा लेंगे। इसलिए इस बात को चिंता मत कीजिए पहले कि पढ़ाई में आपको पैसा लगेगा, लोन लेना पड़ेगा, जो भी लगेगा, लेकिन बाद में आप वो पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए ये पढ़ाई एक इन्वेस्टमेंट है, सही तरीके से लगाइए कि किस में आपका पैसा वापस होगा। और अगर आप स्टेम फील्ड से नहीं हैं तो आपको सिर्फ 1 साल का OPT मिलता है लगभग, कि मतलब आपने पढ़ाई किया उसके बाद सिर्फ 1 साल रुक सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितना खर्चा कर रहे हो, क्या पैसा आ रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है, नहीं बच रहा है, ये तमाम चीज़ें। और खासकर आप जब 11वीं कक्षा में है ना, या 12वीं कक्षा के तुरंत बाद ब्रेक ले रहे हैं तो खाली मत बैठिए, ये सब चीज़ का रिसर्च कीजिए, कितना पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा। ऐसे तो अमेरिका जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पढ़ने आने के लिए बैचलर का। लेकिन जब भी यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही होती है तो ज़्यादातर फोकस जो है वो इंग्लैंड के ऊपर होती है। पहले जो है ये EU के नाम से जाना जाता था, मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर में आता था, अब वो नहीं रहा है, अब तो अलग हो चुका है, ब्रेग्जिट आपने सुना रहा होगा। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो खासकर इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर आपको बहुत बड़ी आबादी में मिलेंगे, तो ये एक अच्छी जगह है जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। UK में पढ़ने जाने का आपको फ़ायदा अब ये है जो कि पहले नहीं हुआ करता था, कि पहले आपको अगर आप EU के नागरिक थे, मतलब अगर उस यूनियन के हिस्से थे, सिटीजन थे, तभी उनको बस फ़ायदा होता था। लेकिन अभी आप चाहे वहाँ के नागरिक हैं या नहीं हैं, आप वहाँ काम कर सकते हैं, काम की अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर भी 20 घंटे काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ होती है जब आप फुल टाइम क्लास कर रहे हैं तो। और अच्छी बात यह है कि वहाँ की जो ट्यूशन फीस होती है वो यहाँ पर की तुलना में बहुत कम होती है, अमेरिका की तुलना में। तो अगर आप थोड़ा सा कम पैसा दे के पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, बजट थोड़ा कम है, UK जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। UK में डाइवर्सिटी भी अच्छी है और मौसम का थोड़ा देखना पड़ेगा, मौसम वहाँ पर भी ठंडा है। वैसे अमेरिका का मैंने मौसम नहीं बताया, लेकिन मौसम आपने तो देखा ही होगा वीडियो में कि डिपेंड करता है किस क्षेत्र में आ रहे हो। अगर आप अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में जा रहे हो तो गर्मी है, और अगर आप यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में आ रहे हैं तो बहुत ठंड रहता है भाई, 7-8 महीना। और UK में बारिश बहुत होती है, आपने देखा होगा, क्रिकेट प्रेमी होंगे तो अक्सर बारिश होती रहती है, वहाँ पर भी ठंडी रहती है, लेकिन अमेरिका जितना नहीं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम
बारहवीं के बाद पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए। फिर चौथा और पांचवा देश जहां पर आप बारहवीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद बैचलर या अंडरग्रेड की पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। चौथा पांचवा को एक साथ में ही बता देता हूं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। लंबा लंबा वीडियो तो आते रहता है मेरे चैनल में। आप जुड़े नहीं होंगे अब तक इस तरीके की जानकारियों के लिए, अगर आप खोज रहे होंगे तो इस चैनल में इसी तरीके की जानकारियां मैं देते रहता हूं पढ़ाई जॉब एजुकेशन से संबंधित चीजों के बारे में। तो भाई गांव के प्यारे दोस्तों, आप चैनल से जुड़ते हुए जाना, सब्सक्राइब कर लिए रहना, बेल आइकन को दबा दिए रहना, ठीक है, और इस तरीके की जानकारियां मिलते रहेगी। तो चौथा जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया और पांचवा जो देश है वो है जर्मनी। ये दोनों देश ऐसे देश हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में आपको एशियन स्टूडेंट्स मिलेंगे, खासकर साउथ एशियन जो भारत पाकिस्तानी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स आपको भर भर के मिलेंगे इन दोनों देशों में। दोनों देशों में पढ़ाई का जो माध्यम है वो अंग्रेजी है, तो आपको वो जो बेसिक जरूरत होती है टोफेल या फिर आईलेट्स वो देना ही पड़ता है। इसके अलावा हर एक कंट्री में बैचलर करने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, ज्यादातर जितने मैंने देशों के नाम इस लिस्ट में बताए हैं सब देशों में लगभग SAT एक एग्जाम होता है टोफेल और आईलेट्स के अलावा, तो वो आपको देना होता है। लेकिन कई बार वो वेवर भी रहता है कि आपको अनिवार्य नहीं होता, इसलिए आपको जिस भी देश के जाने में रुचि रखते हैं उस देश के उस पर्टिकुलर विषय से संबंधित यूनिवर्सिटी को आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट में खोज सकते हैं, फिर उनका रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। आप किसी एक मेरे जैसे यूट्यूबर या किसी के कहने पर बताइए कि उस देश में ऐसे होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग रिक्वायरमेंट रहता है, तो निश्चित रूप से आप उसको थोड़ा पढ़िए, देखिए और समझिए। किसी एक के कहने और बोलने पे मत आइए। अगर आप छोटे जगह से हैं तो निश्चित रूप से आप निराश मत हो जाइए ऐसे ही किसी एक के बात को सुनकर, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा और मेहनत करिए। तो ये जो दो देश हैं वहाँ पर जाने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आना जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ाई तो इंग्लिश में होगी ना, तभी आपको समझ में आएगा। जरूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की हो दोस्तों, ठीक है, ये भी एक जरूरी बात है। आप हिंदी मीडियम में, तेलुगु, तमिल, किसी भी मीडियम में पढ़ाई किए हो, आपका नंबर अच्छा हो, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको 90% आया हो, 75 से ऊपर है, 70 है, 65 है, फिर भी चलेगा अगर आपने और कुछ एक्टिविटीज़ किए हैं उस विषय से संबंधित। इसीलिए आप अपना रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, अपना कॉलेज का एप्लीकेशन कैसे डालते हैं, तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। आप अनुभवी लोगों से मदद ले सकते हैं, आपको कुछ पूछना हो तो मुझे भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो में या जहां से भी आपको मदद मिलता हो मदद ले सकते हैं। तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जो है वो एक तरीके से पढ़ाई के मामले में खासकर बहुत सारे रिसर्च बताते हैं कि वो सबसे बेस्ट जगह है, मतलब मैंने जो लिस्ट बताया है उनमें से सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं वहाँ गया नहीं हूँ कभी और बहुत कम स्टूडेंट को जानता हूँ जो वहाँ से हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के कई लोग, वहाँ के कई दोस्त हैं जो यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनसे मैंने सुना है। तो जर्मनी भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। कई यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए आपको मेरे चैनल का जो बेल आइकन है उसको दबा के रखना होगा ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको मिले। तो अगला आने वाले कुछ वीडियो स्कॉलरशिप के बारे में भी बताऊंगा कि स्कॉलरशिप आपको कैसे मिल सकता है, पूरी पढ़ाई फ्री में कैसे कर सकते हैं, या और कौन कौन सा तरीका स्कॉलरशिप पाने का, कैसे स्कॉलरशिप के लिए ढूंढते हैं, अगर आप भारत से हैं यहाँ आना चाह रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन सा स्कॉलरशिप होता है आर्ट से संबंधित विषय के लिए। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा भी था कि अगर मैं आर्ट की पढ़ाई करता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, वो सारी जानकारियाँ आगे की वीडियोस में बताऊंगा। एक ही वीडियो में सब जानकारी देना थोड़ा मुश्किल होता है, आई होप कि आप समझ सकते हैं और आप चैनल से फिर भी जुड़े रहेंगे। तो ये जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे देश है जहाँ पर आप बैचलर की पढ़ाई करने जा सकते हैं, एंड आई होप कि वहाँ पर आप जाते हैं तो समय का फ़ायदा उठाइए और वहाँ पर और नए लोगों से मिलिए, आप उनसे बातचीत कीजिए, आप अपने यहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, ऐसे नहीं होता कि आपको डराएंगे धमकाएंगे, वो आपको इंकरेज करते हैं करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो निश्चित रूप से आप उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे बात कीजिए रिसर्च के बारे में, ताकि जैसे ही आपने अपनी पढ़ाई की तो हो सकता है कि आपको यूनिवर्सिटी में ही कुछ काम मिल जाए, आपका प्रोफेसर के साथ अच्छा रिश्ता है, उनके साथ आपका काम का जो प्रोफेशनल रिश्ता है, आप प्रोफेशनल तरीके से पहनना ओढ़ना बात करना, ये तमाम चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। तो भाई ये पांच ऐसे देश हैं जहां पर आप बारहवीं की पढ़ाई करने के बाद जा सकते हैं पढ़ने के लिए। विदेशों में पढ़ने का ज़्यादा फायदा होता है आजकल के समय में, और बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग जो मध्यवर्गीय परिवार से हैं, जो गरीब परिवार से हैं, वो लोग भी मतलब अपने मेहनत के दम पर पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है, आसान तो कुछ भी नहीं होता दोस्तों, लेकिन मेहनत करनी होती है और आप मेहनत करते रहोगे तो मिल जाता है माध्यम। और अगर आपको, आप मेहनती हैं, आप पढ़ाई में रुचि रखते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपको लगता है या आपके जानकार में कोई है कि उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया जा सकता है या किसी तरीके से मदद किया जा सकता है और वो कुछ कर सकते हैं जीवन में, फिर भी मुझे कमेंट करना, और अपने स्तर पर मुझसे जो हो सकेगा, मेरी जितनी औकात या क्षमता है उतना मैं अपने स्तर पर करने की कोशिश हमेशा करते रहूँगा। इसलिए आप अपने हिस्से का कीजिए
और मैं इन वीडियोस के द्वारा अपने हिस्से का करता रहूंगा। तो चैनल को सपोर्ट करते रहने के लिए चैनल से बने रहना, लाइक करना और साथ में बेल आइकन को भी दबा दिया रहना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जगह को दिखाते हुए अमेरिका का और कुछ नई जानकारियों को आपके साथ साझा करते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार।